नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। सोने और चांदी के आभूषण विक्रेता के रूप में पेश होने वाले ऑनलाइन घोटालेबाज को द्वारका जिले की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक महत्वपूर्ण सफलता में द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने सोने और चांदी के आभूषणों की बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुभाष पार्क उत्तम नगर दिल्ली के 31 वर्षीय मनीष लिंगवाल के रूप में हुई है, जो आभूषणों की खरीद के लिए थोक दरों और पर्याप्त रिटर्न का वादा करके लोगों को धोखा दे रहा था। इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब 21 अगस्त 2023 को पीएस साइबर द्वारका में शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और उन्हें थोक मूल्य पर सोने और चांदी के गहने खरीदने का मौका दिया था। संदिग्ध ने व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक खाते का विवरण प्रदान किया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने रुपए हस्तांतरित कर दिए। 1,25,000 उपलब्ध खाते में भुगतान के बाद संदिग्ध अपना मोबाइल फोन बंद करके गायब हो गया। इसके बाद पीएस साइबर द्वारका में मामला दर्ज किया गया। एसीपी राम अवतार के कुशल मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर जगदीश कुमार, एसएचओ साइबर द्वारका के नेतृत्व में ऑपरेशनल टीम ने एचसी कृष्ण, एचसी रामेश्वर और सिटी अमित शामिल थे। सावधानी पूर्वक तकनीकी और मैनुअल निगरानी के माध्यम से टीम ने लाभार्थी के बैंक खाते का सफलतापूर्वक पता लगाया और संबंधित व्हाट्सएप नंबर का विश्लेषण किया। एक रणनीतिक योजना के साथ टीम ने आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम, विशेष रूप से गांव उलावास के आसपास से पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी मनीष लिंगवाल ने यूट्यूब से फर्जी वेब पेज और विज्ञापन डिजाइन करने की कला सीखने की बात कबूल की। उसने एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था, जिसके जरिए वह भोले भाले लोगों को थोक मूल्य पर सोने चांदी के आभूषणों के लुभावने ऑफर से आकर्षित करता था। दुर्भाग्य से ये व्यक्ति उसके घोटाले का शिकार हो गया, क्योंकि उन्होंने उन गहनों के लिए भुगतान किया था जो कभी वितरित नहीं किए गए थे। आरोपी के कब्जे से उसका मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया। साइबर पुलिस की त्वरित और कुशल कार्रवाई से जालसाज मनीष लिंगवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ठगे गए लोगों को न्याय मिला। यह घटना सतर्क ऑनलाइन लेनदेन के महत्व पर, उन सौदों में संलग्न होने पर सावधानी बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।